बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। एक छोटा सा मैसेज देना था। अगर आपको कोई मोहब्बत करने वाला ख़त भेजे और आप वो ख़त रिसीव करें, उसको खुशबू लगाएं और संभाल के रखें, दोबारा ख़त भेजे, आप उसको खोलने की बजाय उसको महफूज करते रहें, उसको खुशबू लगा कर अच्छी तरह संभालते रहें और उसके अंदर जो लिखा है वो ना पढ़ते रहें, तो भेजने वाले को क्या महसूस होगा, वो क्या फ़ील करेगा। कुरान पाक रब तआला की तरफ से हमें दिया हुआ एक इनाम, एक तोहफ़ा है। कुरान पाक का मकसद क्या है? रब तआला ने फरमाया कि हमने कुरान पाक को नाजिल किया, लअल्लकुम तअक़िलून, ताकि तुम इसको समझो, ताकि तुम इससे दर्स हासिल करो, ताकि तुम इससे अपनी ज़िंदगी गुजारने के सलीके सीखो। लेकिन हमने कुरान पाक के साथ क्या किया, कुरान पाक के साथ हमने क्या किया, हमने कितना इसको समझा? कुरान पाक का मकसद ये नहीं था कि हम सिर्फ़ और सिर्फ इसकी तिलावत करें। तिलावत करना बहुत बड़ी सआदत है, इसका भी सवाब है, लेकिन कुरान पाक में रब तआला ने कहा क्या है? कुरान पाक तो हमारी रूह की तस्कीन का बायस है, कुरान पाक तो हमारी ज़िंदगी के सारे शोबाजात के लिए रहनुमाई है, लेकिन हमने इससे कभी रहनुमाई हासिल नहीं की। अब रमज़ान शुरू है, लोग एक दूसरे को मैसेजेस भेज रहे हैं कि मैंने 4 सिपारे ख़त्म कर लिए, मैंने पूरा कुरान पाक ख़त्म कर लिया। बहुत बड़ी सआदत की बात है, अल्लाह ताला कुरान पाक पढ़ने की तौफीक दे दे और सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ने की तौफीक दे दे, ये बहुत बड़ी सआदत है। लेकिन इससे सिर्फ पढ़ने से मकसद हासिल नहीं होगा। कुरान पाक पढ़े, तर्जमे के साथ पढ़े, तफसीर के साथ पढ़े, इसको समझें कि रब ताला ने इसके अंदर मेरे लिए क्या पैगाम भेजा है। जब मैं कुरान पढ़ रहा हूँ तो मुझे ये सोचना है कि मेरे लिए इसमें क्या है, जब मैं कुरान पढ़ रहा हूँ तो मुझे सोचना है मेरी फैमिली के लिए इसमें क्या है, मेरे मुल्क के लिए इसमें क्या है, मेरी सोसाइटी के लिए इसमें क्या है। तो यही वजह है कि हम आज मुसलमान इतनी कसरत के बावजूद तनाज़ुल की तरफ जा रहे हैं कि हमने मकसद कुरान को छोड़ दिया है और कुरान पाक को समझा नहीं है। तो मेरा ये पैगाम है कि रमज़ान का महीना है, कुरान पाक को तर्जमे और तफसीर के साथ पढ़े, इसको समझ के पढ़े, इसको अल्लाह ताला का कलाम समझ के पढ़े कि अल्लाह ताला हमसे क्या फरमाना चाह रहा है, और फिर उस पर अमल करने की कोशिश करें। देखिएगा ज़िंदगियां तब्दील होंगी, देखिएगा कि अल्लाह अज़्ज़ वजल करम फरमाएगा और हमारे हालात बदलेंगे। तफसीर सिरातुल जिनान मुफ्ती कासिम साहब ने लिखी है, बहुत आला तफसीर है, उर्दू के अंदर है और जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक जो है तफसीर लिखी है। आप इसकी ऐप भी डाउनलोड करें, दावत इस्लामी की जो IT है, अगर आप अपने प्ले स्टोर पर जाएँ वहाँ पर यह तफसीर है, ऐप उसकी डाउनलोड करें, अपने मोबाइल पर रखें और इसको कम अज़ कम 3 आयात रोज़ाना तर्जमे और तफसीर के साथ समझ कर पढ़ें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड अ थम्स अप, लीव योर कमेंट्स बिलो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली एंड योर चिल्ड्रन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम, कीप वॉचिंग एंड स्प्रेड द ब्लेसिंग्स टू एवरीवन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।